इंडिया की एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली। शाम का वक्त है और आप घर लौटने पर ये पाते हैं कि आपका बेटा आपसे एक सोलो ट्रिप पे जाने की बात कर रहा है और वो जहाँ जाना चाहता है वो घर से हजारों किलोमीटर दूर है। ऐसे में एक नॉर्मल इंडियन पेरेंट का आखिर क्या रिएक्शन होगा? ये होता है बापदा। पर वही पेरेंट जब उसी लड़के की करियर सिलेक्शन की बात आती है तब उस पर पूरा भरोसा करते हैं। एक ऐसा चॉइस जो उसके जिंदगी के डायरेक्शन को तय करने वाला है। वो पेरेंट्स मोस्टली इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल का चॉइस देते हैं अपने बच्चों को, और वो बच्चा जो अभी सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस से प्रभावित है, जिसके दोस्तों का डिसीशन वो खुद का समझता है, और बायोलॉजी के लिए जिसका दिमाग अभी भी डेवलप नहीं हुआ, उस पे पेरेंट्स को एक बार भी डाउट नहीं आता। ये आखिर कैसा पैराडॉक्स है कि जो पेरेंट अपने बच्चों को एक सोलो ट्रिप पे भेजने से डरते हैं, सोचते हैं, पर उन्हें अपने नौजवान पर पूरा भरोसा होता है कि वो सही चॉइस लेगा। इंडिया आखिर क्यों ऐसे पैराडॉक्स से गुजरता है? क्यों इंजीनियरिंग का इतना क्रेज है जो अभी एक कल्ट बन चुका है? सब जानेंगे आज इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपने अभी तक पद को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। आम इंडियंस में इंजीनियरिंग के क्रेज के पीछे बेसिकली ये चार फैक्टर्स हैं। नंबर वन, कॉलोनियल पास्ट। आप किसी भी अच्छी हिस्ट्री बुक को देखो, इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन में जाके आपको मिलेगा द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म 200 साल तक चला और जिसके कारण जो बदहाली कंट्री में आई और लिविंग स्टैंडर्ड्स गिरे, उसका सीधा असर है इंजीनियरिंग के क्रेज पे। जब हमारे देश की इतनी बुरी दशा थी और हर जगह भुखमरी और दंगे हो रहे थे, इसके चलते एक फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की हालत में थी हमारी कंट्री। ऐसे में जो लोग कॉलेज पढ़ के पास हो रहे थे, उनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा टेक्निकल एजुकेशन सबसे पहले दिया गया। इसके दो कारण थे। एक, इंडिया को इंडस्ट्रियल बैकबोन बनाने की सख्त जरूरत थी, और साथ ही साथ एक ऐसा वर्किंग पॉपुलेशन जिसको टेक्निकल नॉलेज हो ताकि वो फैक्ट्रीज में काम कर सके, एम्प्लॉयमेंट भर सके। तो इससे एक आम आदमी के दिमाग में ये छप गया कि इंजीनियरिंग या टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है रोटी कमाने के लिए। इंडिया का इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस हो या फिर अर्ली टाटा इंडस्ट्रीज का सेटअप होना, ये सारा डिपेंड करता है एक एवरेज वर्कर पे जो फैक्ट्री में काम कर रहा है और जिसको मशीन चलानी आती हो। इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर की सख्त जरूरत थी। हमें बहुत तेजी से और बहुत सारे रोड्स, रेलवेज और डैम्स बनाने थे, जिसके लिए सिविल इंजीनियर्स की डिमांड उठी, और उसी डिमांड को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट लग गई टेक्निकल कॉलेजेस बनाने में। इनफैक्ट इंडिया का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज सिविल इंजीनियरिंग का ही था, जो बना था 1847 को, जो आज हमारे पास IIT रुड़की के नाम से है। और ये टेक्निकल कॉलेजेस IITs को बाद में बूम मिला जब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन आया। नंबर टू, ग्लोबलाइजेशन एंड IITs। इंडिपेंडेंस के बाद नेहरू गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 के तहत IITs बनाना शुरू कर दिया, जहां IITs की फॉर्मेशन की जा रही थी ताकि देश में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को जन्म दिया जा सके। और हुआ भी ऐसे ही। IITs के सेटअप होने के बाद यूथ जो वहां पर पहुंचते, वो या तो मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए फॉरेन जाकर काम करते या फिर खुद का कंपनी या फिर फैक्ट्री सेटअप करते ताकि अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सके। अब इस चीज को एक बूम तब मिला जब 1990s को तब के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने ग्लोबलाइजेशन के लिए हरी झंडी दिखाई थी, और उसी के साथ ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज और डेवलपमेंट इतनी तेजी से हुआ, और इसमें IITs पहुंचने वाले स्टूडेंट्स का बहुत फायदा होने लगा। बिकॉज ऑफ फॉरेन प्रोफेसर्स एंड यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट्स, IITs का लेवल ऑफ एजुकेशन ग्लोबल हो गया, और इससे हुआ ये कि अब इंजीनियरिंग केवल अच्छे पैसे कमाने का सिर्फ जरिया नहीं था, बल्कि इंजीनियरिंग अब IITs की वजह से एक प्रेस्टीज का जरिया हो गया था। जिस फैमिली से IITs निकलते, उस फैमिली की सोशल रिस्पेक्ट खुद ही बढ़ जाती, और बाद में जाके ये एक ऐसा सोशल इफेक्ट क्रिएट किया जिसे देख के बाकियों के दिल में भी उम्मीद जगने लगी, एक ऐसा सपना जहाँ पैसा और प्रेस्टीज दोनों है। नंबर थ्री, सपना। इंजीनियरिंग लाइक करता है स्टेम फील्ड्स में। STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। और कई रिसर्चेस ये बताती है कि लोग STEM फील्ड्स वहाँ पर मिल रही ढेरों अपॉर्चुनिटीज के लिए चूज करते हैं। इन फील्ड्स में आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग,
डाटा एनालाइजिंग और एनालिटिकल थिंकिंग का काफी इस्तेमाल होता है, जिसके कारण ऐसे ग्रेजुएट्स नॉन स्टेम फील्ड्स में भी काफी अच्छा कर लेते हैं। सपने सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकते, ज्यादातर यूथ जो इस वक्त पढ़ रहा है उसका सबसे बड़ा सपना तो विदेश जाना और वहीं पर अपना जिंदगी बिताना है, पर ये सपना भी टॉप के IITs और NITs के सिर्फ 1% बच्चों को नसीब होता है और वही बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का सपना लिए विदेश के लिए रवाना हो जाते हैं, और जिसके कारण हमारे देश में होता है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन आखिर क्या है और वो कैसे हमारे देश को पीछे धकेल रहा है, इस पर मैंने अपने चैनल के शुरुआत में एक वीडियो बनाया था। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर देखिएगा। पर इससे होता ये है कि पैसा और प्रेस्टीज के मारे ये स्टेम फील्ड ओवरक्राउडेड हो जाती है। बेसिक रोटी कपड़े की जरूरत के लिए जो कॉलेजेस क्रैक करने की तैयारी होती थी वो अब इज्जत और प्रेस्टीज पे आ चुकी है। इसके चलते बच्चों को उनके माँ बाप से और सोसाइटी से एक टॉक्सिक प्रेशर झेलना पड़ता है। जब माँ बाप अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि देख शर्मा जी के बेटे का तो हो गया, तेरा 2 अटेम्प्ट्स में क्यों नहीं हो रहा, देख पड़ोस की पुष्पा आंटी की बेटी का विदेश में 1 करोड़ का पैकेज लग गया, तू घर पर ही बैठी रहे। हालांकि इसमें सिर्फ पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि अब इस फील्ड में ज्यादा मास है तो ज्यादा पैसा भी, और जब किसी मार्केट पे पैसा ज्यादा होने लगता है तब वहाँ आते हैं बिजनेसमैन, बनाते हैं एक नया सिस्टम, एक नया इकोसिस्टम एजुकेशन का नाम लेके, जिसे आज आप कोचिंग माफिया के नाम से जानते हो। और ये कोचिंग माफिया पेरेंट्स को भी चीजें ऐसे ही प्रेजेंट कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है 21वीं सदी की सबसे बड़ी हथियार से, मीडिया से। नंबर 4, मीडिया। मीडिया में रिपीट टेलीकास्ट पे जब 1 करोड़ 5 करोड़ के पैकेज वाले लड़के लड़कियों के इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट किया जाता है तो वो लाखों बच्चों और उनके पेरेंट्स के दिमाग में ये आइडिया पंप करता है कि इतना लगना तो IITs में एवरेज है। इस पे मैं सिर्फ टेलीविजन मीडिया की बात नहीं कर रही, सोशल मीडिया पर एजुकेशन माफिया, कोचिंग माफिया जैसे इस चीज को एडवर्टाइज कर रही है, प्राइमरीली उस पर बात कर रही हो, जबकि सच्चाई ये है कि कोई भी इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट के लिए एक सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करती है। अब इसमें होता ये है कि टॉप के 2.5% बच्चों को तो बहुत अच्छा पैकेज मिलता है और नीचे के 2.5% को तो प्लेसमेंट मिलता ही नहीं। किसी भी कॉलेज के प्लेसमेंट्स को जज करने के लिए हमें मीडियन पैकेज देखना चाहिए जो कि 34% रीजन कवर करता है। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए, कॉलेज सिलेक्शन के वक्त उन्हें टॉप पैकेजेस के हाइप में नहीं आना चाहिए बल्कि एवरेज पैकेजेस को देखना चाहिए। नो डाउट आज इंजीनियरिंग ह्यूमैनिटी को ड्राइव कर रहा है, इसका एग्जिस्टेंस हमारे डे टू डे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसके एग्जिस्टेंस से दूसरे फील्ड को डाउनग्रेड करना या फिर सिर्फ इसी एक फील्ड से हर साल 10 से 20 लाख बच्चों का एग्जाम लिखना और फिर उससे होने वाली सुइसाइड्स और मेंटल डिसऑर्डर्स की कीमत आखिर कौन चुकाएगा। इसी ट्रेंड को फॉलो करते करते आज इंजीनियरिंग और मेडिकल जो देश के ड्राइविंग फैक्टर्स से एक कल्ट का शेप ले चुके हैं, जहां हर साल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टॉक्सिक प्रेशर से हजारों बच्चे मर रहे हैं, कुछ है जो इसमें अपना बिजनेस चला चुके हैं। कोचिंग माफिया मोटिवेशन के नाम पर बच्चों को सही डायरेक्शन देने की जगह उनको मोटिवेट करके भीड़ बढ़ाने में लगे पड़े हैं। इस एजुकेशन माफिया की पूरी इंडस्ट्री को अच्छे से जानने के लिए आप हमारे राइट वाले वीडियो को क्लिक कर सकते हो और ब्रेन ड्रेन को जानने के लिए लेफ्ट वाले को, और वीडियो अच्छा लगने से सब्सक्राइब बटन को।